बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल अली ड्रिंक टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज आपको तिक्का मैक्रोनी बनाकर दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए पैन लेंगे, उसके अंदर पानी डाल के हमने रख दिया है, थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और जब तक अच्छी तरह गर्म नहीं होता पानी, और इसके अंदर हम एक चम्मच ऑयल का या घी का कोई भी डाल सकते हैं। तो इसके अंदर मैक्रोनी नहीं डाल देंगे और अच्छी तरह बॉयल करेंगे जब तक ये चेक करते रहें। फ्रेंड्स, हमने पैन लिया, उसके अंदर एक से दो चम्मच घी डाल दिया और गर्म होने के रख दिया है। और इसके अंदर अब हम एक से प्याज चॉप किया और एक टमाटर चॉप किया हुआ डालेंगे और इसको हल्का सा ब्राउन होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड, जब तक ये हमारा ब्राउन नहीं होगा, इसे हम चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड, इसके अंदर हमने मिर्च ऐड कर दी शिमला चॉप की हुई, और इसे भी थोड़ी देर चलाएंगे, एक से दो मिनट तक, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो फ्रेंड, इसका कलर चेंज हो गया है। इसके अंदर हम आधा मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ऐड करके हम इसे थोड़ी देर चलाएंगे और फिर इसके अंदर हम टिक्का बोटी हमने पहले ही बना के रखी हुई थी, वो थोड़ी सी हम ऐड कर देंगे और कुछ हम बाद में ऐड करेंगे। तो फिर इसे हम फ्रेंड चला लेंगे थोड़ी देर, इसे भी थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर अब ये हमारा हो चुका है। इसके अंदर हम बॉयल की हुई मैक्रोनी डाल दी है, ये देख रहे हैं बहुत ही अच्छी बॉयल हुई है। तो फ्रेंड्स, जो मैक्रोनी के अंदर मसाला होता है वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। आपको स्पाइसी चाहिए तो सारा डाल लें, अगर नहीं चाहिए तो नॉर्मल डाल लें, हम सारे ही डालेंगे। तो फ्रेंड, ये देखें हमारी मैक्रोनी बहुत ही मज़े की बन के तैयार है और कलर भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड, इसे 102 मिनट तक हम ढाम के रख देंगे। तो फ्रेंड, ये देखें हमारी बिल्कुल मैक्रोनी टिक्का रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। Thank you for watching.